Hello students, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying good health in COVID time. And in this video we are going to discuss Jamun tree. Jamun tree जो कि class 9 CG board का English textbook का first chapter है. इस chapter से related 3 video already uploaded है पहले से. ये last video होगी. उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि रिकी और जुनैक कैसे जामुन ट्री के ऊपर चढ़े थे. उसके बाद में उन लोग को कैसे एहसास हुआ कि हाँ, हम लोग को पेड़ नहीं काटना चाहिए, और उन लोग नीचे चुपचाप उतर गए. और उन लोग को देख के उनके सिस्टर्स पूछते हैं, है ना, व्हाट हैपेंड, दे आस्क्ड. सम व्हाट एम्बरेस्ड, रिकी एक्सप्लेन्ड, यू सी दिस ट्री इज ए होम फॉर सो मेनी क्रिएचर्स दैट वी कुडंट ब्रिंग आवर सेल्फ्स टू कट इट डाउन. व्हाट हैपेंड, मतलब उनके सिस्टर्स लोग पूछते हैं, क्या हुआ, आप लोग ऐसे नीचे क्यों उतर गए इतना जल्दी. तो सम व्हाट एम्बरेस्ड, सम व्हाट एम्बरेस्ड मतलब क्या कुछ परेशानी है, पूछते हैं, है ना. रिकी एक्सप्लेन्ड, यू सी दिस ट्री इज ए होम फॉर सो मैनी क्रिएचर्स. देख सकते हो तुम लोग कि ये जो पेड़ है, ये जामुन का जो पेड़ है, ये बहुत सारे क्रिएचर भी, बहुत सारे प्राणियों के घर है ये. दैट वी कुडंट ब्रिंग आवर सेल्फ्स टू कट इट डाउन, और इस ये हम लोग के लिए, इसको काटना हमारे लिए ठीक नहीं होगा. ओ दैट्स नॉट फेयर, क्राइड द यंगस्टर टुगेदर. हाँ हाँ, सही है, आप लोग नहीं काटे तो ठीक किए, ऐसे उनके भाई बहन भी बोलते हैं. व्हाट विल हैपन टू आवर मेजी, वेल लेट्स थिंक, सेट जोनेक. व्हाट विल हैपन टू आर मेजी मतलब, लेकिन हम लोग के जो मेजी का प्लान था, ग्रैंड मेजी, चैम्पियन मेजी बनाना, उसका क्या होगा, चलिए ना उसके बारे में सोचते हैं. ऐसा कौन बोलता है, जोनक बोलता है. ओके, वी कांट कॉट द ट्री, दैट्स ऑब्वियस. हाउ वुड वी फील इफ समवन बॉन्ट आवर हाउस डाउन. हम लोग तो इस पेड़ को काट नहीं सकते, ये तो निश्चिंत है, ये सुनिश्चित है ना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्रिएचर्स का, बहुत सारे प्राणियों के जो घर है उसको उजाड़ नहीं सकते. अगर हम लोग के घर को कोई अगर आके, है ना, बर्न कर देता है, जला देता है, तो हम लोग को कैसे महसूस होगा. ठीक उसी प्रकार उन लोग को भी ऐसे महसूस हो सकता है, इसलिए हम लोग उनको बेघर करना नहीं चाहते हैं. ऐसे भाई बहन आपस में बात करते हैं. सेड मनपी लुकिंग थॉटफुल. हाँ, मनपी भी उसमें एग्री करती है. द फोर ऑफ देम सेट इन द सेड ऑफ द ट्री लीनिंग अगेंस्ट द नाल्ड ट्रंक. द फोर ऑफ देम मतलब चारों ही भाई बहन जो पेड़ के छाया था है ना, उसमें बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, और उसमें थोड़ा सा ऐसे ओद के सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए. फाइनली रिकी स्पोक, आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स फॉर ए बिग मैजी दिस ईयर, मे बी द नेक्स्ट ईयर. जोनक हैड एन आइडिया, लुक इन आवर क्लास वी हैव ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट. देखो, फाइनली रिकी स्पोक. अब चारों भाई बहन कुछ देर सोचने के बाद रिकी बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे को, हम लोग को ये जो प्लान है ना, चैम्पियन मैजी बनाने का जो प्लान किए थे हम लोग, उसको इस साल भूलना पड़ेगा. हम लोग को अगले साल ही उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो त्यौहार से पहले दिन उन लोग काटने के लिए पेड़ गए थे, है ना, लेकिन उन लोग के पास लकड़ी का जुगाड़ नहीं हो पाया. तो ऑब्वियस बात है कि उन लोग का चैम्पियन मैजी नहीं बनने वाला इस साल. जोनक हैड एन आइडिया. अब उस टाइम क्या होता है, जोनक के पास एक आइडिया आता है. लुक इन आवर क्लास वी हैव ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट. अब वो क्या बताता है कि हमारे जो क्लास में एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है, उसके तहत क्या है, दे आर गिविंग अस सुबेबल सेप्लिंग्स टू प्लांट इन फेब्रुअरी मार्च. आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम. दे आर गिविंग मतलब स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, सेबेबल सेप्लिंग्स यानी एक पेड़ का नाम है, जहाँ ये देख सकते हो आप लोग पिक्चर में, ये वाला पेड़ फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत फेब्रुअरी मार्च में स्कूल में हम लोग को कुछ सेप्लिंग्स देने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि उन लोग से थोड़ा सा मैं भी मांग लूँ, मतलब दो चार सेप्लिंग मैं भी मांग लूँ, ताकि हम लोग भी यहाँ पर उसको जगा पाए, उगा पाए. ठीक है, दीज ट्रीज आर स्पेशली ग्रोन टू बी कॉट सो दैट ओल्डर ट्रीज कैन बी सेव्ड. रिकी सेड, व्हाट ए गुड आइडिया जोनक, गेट सम सेप्लिंग्स. दिस ट्रीज मतलब ये जो सेबेबुल का ट्री है, वो ग्रोन किया जाता है, वो बढ़ाया जाता है किस लिए, ओनली कट, है ना, काटने के लिए, मतलब उसका फूल फल छाया ऐसे कुछ भी उसका इतना उपयोग नहीं होता है. ठीक है,
और इसलिए उसको बढ़ाया जाता है ताकि जो पुराना वाला पेड़ है उसको हम लोग सेव कर सके। रिकी सेड व्हाट ए गुड आइडिया जोनैक। रिकी को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, आप तुम सैपलिंग अपने स्कूल से ले आओ। वील प्लांट देम, हम लोग उसको प्लांट करेंगे, हम लोग उसको लगाएंगे अलोंग द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल के चारों तरफ। इन टू ईयर्स टाइम, और दो साल बाद क्या होगा, व्हेन दे आर ग्रोन वी कैन कट देम डाउन एंड हैव ए ग्रैंड मैजी। और जब वो प्लांट लोग धीरे धीरे बड़े पेड़ बन जाएंगे तो हम लोग उसको काट सकते हैं और उसमें से हम लोग का अपना चैम्पियन मैजी बना सकते हैं। When their parents returned, Monpy and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a magic. When their parents returned, अब parents उनके कहाँ गए थे, कोलकाता गए थे है ना, उनके दादी से मिलने। और जब उनके parents आते हैं तो Monpy और Tinky उन लोग को बोलते हैं कि how the jamun tree had nearly become a magic, कि हम लोग ऐसे idea सोचे थे jamun tree को cut करने का idea ताकि हम लोग का जो champion magic हो बना सके, लेकिन वो बनते बनते रह गया। जो jamun tree है वो magic बनने वाला था लेकिन बनते बनते रह गया। Father smiled, I am glad you didn't cut it down. Think what would have happened. You and your friends climb the trees, eat its fruit, play in its shade. If it were not there, our courtyard would be silent. फादर हंसते हैं, फादर स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि जो आप लोगों ने काम किया है उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। थिंक, सोचो तो क्या होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता अगर तुम लोग ट्री को काट देते मेझी के लिए, तो क्या तुम उसमें चढ़ सकते थे, क्या उसका फल आप तुमको मिलता है ना, उसके छाया में क्या तुम खेल सकते थे। अगर ये पेड़ नहीं होता तो हमारे जो कोर्टयार्ड है, हमारे जो आंगन है, वहाँ बच्चे नहीं आते। अगर बच्चे नहीं आते तो वो पूरा पूरी साइलेंट हो जाता, बच्चे की किलकारियों से भरा हुआ आंगन हमारा सुनना हो जाता। ऐसे कौन बोलते हैं, फादर। ही स्टॉप्ड फॉर ए व्हाइल, और कुछ देर रुक जाते हैं। देन कंटिन्यूड, फिर आगे चालू करते हैं अपना बात। इट टेक ईयर्स एंड ईयर्स फॉर ए ट्री टू ग्रो मैच्योर बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, टू कट वन डाउन टेक्स जस्ट ए फ्यू आवर्स। कुछ देर रुकने के बाद फादर फिर बोलने लगते हैं कि जो पेड़ है उसको लगाने के लिए हम लोग को बहुत साल लग जाते हैं, है ना। पहले हम लोग छोटे से पौधा लगाते हैं, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होकर फिर फूल होता है, उसमें से फिर फल होता है, फिर जब बड़ा सा पेड़ हो जाता है छाया मिलता है हम लोग को। लेकिन हम लोग अगर उसको काटना चाहें तो हम लोग को मात्र एक या दो घंटे का टाइम लगता है, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। Then he smiled and said, "Come, I have bought each of you a gift. They are lying in the backyard." The four youngsters rushed to the back of the house. उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि चलो आप लोगों के लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ, चारों के लिए चार गिफ्ट है जो कि हमारे आंगन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। जैसे ही फादर ने ऐसे बात बताया कि चारों भाई बहन एकदम से बैक ऑफ द हाउस यानी कि घर के पीछे भागे जाते हैं। टू देयर डिलाइट फोर सैपलिंग्स, वन ईच ऑफ जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैक फ्रूट वेयर प्रॉप्ड अप इन द पॉलीथीन बैग्स अगेंस्ट द बैम्बू फेंसिंग। और जैसे ही उन लोग अपने आंगन को जाके देखते हैं, घर के पीछे जो आंगन था वहाँ जाके देखते हैं कि चार सैपलिंग था, सैपलिंग यानी छोटे पौधे है ना, जो जिसको कि हम लोग लगाते हैं नर्सरी वगैरह में नहीं मिलता है सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे, फिर उसको हम लोग ला के अपने बाड़ी में लगाते हैं है ना। तो वैसे ही चार सैपलिंग, कौन कौन सा सैपलिंग था, वो जामुन का था एक ठो, एक मैंगो का था, एक गुआवा का था और एक जैक फ्रूट का था, और वो पॉलीथीन बैग में प्रॉप्ड अप हुआ था, ठीक है। उसको उन लोग देखते हैं, और वो गिफ्ट कौन लाए थे, उसके पापा लाए थे उनके लिए। द चिल्ड्रन लॉस्ट लिटिल टाइम इन डिगिंग फोर होल्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द बैकयार्ड एंड प्लांटिंग द सैपलिंग्स, दे प्रोमिस्ड टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो बच्चे जैसे ही देखे वो बहुत ही खुश हो गए और वो तुरंत गड्ढा खोदने लगे उसको लगाने के लिए, और थोड़े से टाइम भले ही लगा लेकिन वो चारों सैपलिंग्स जो था वो लगा दिए अपने आंगन में, और वो उस दिन से प्रॉमिस किए है ना कि हम लोग सुबह शाम इसमें पानी देंगे और अच्छे से इसका देखभाल करेंगे। इट वुड टेक सम टाइम फॉर द सैपलिंग्स टू ग्रो अप इन टू ट्रीज एंड दीज दे डिसाइडेड दे वुडंट कट डाउन, दे वुड ग्रो इन टू बिग टॉल ट्रीज।
भले ही ये हम लोग जो सैपलिंग्स लगाए हैं भले ही ये टाइम लेगा बड़ा ट्री बड़ा पौधा सॉरी बड़ा पेड़ बनने के लिए, लेकिन उन लोग क्या सोचे अगर बड़ा पेड़ बन भी जाता है तो हम लोग कभी उसको कट नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग उसको पेड़ बड़ा सा पेड़ होने देंगे। द यूकालिपर्स एंड सेबेबुल दे कुड बी कट, और जो यूकालिपर्स और सेबेबुल है ये जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कट कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली कट करने के लिए ही काटने के लिए ही इसको उगाया जाता है या लगाया जाता है। द नाइट एज द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू बेड जोनक सेड वी मे हैव ए स्मॉल मैची दिस ईयर, और जब रात होता है चारों बच्चों बेड को जाते हैं है ना सोने के लिए, तो जोनक क्या बोलता है कि इस साल हम लोग के पास ग्रैंड मैजी का जो प्लान है वो फ्लॉप हो गया और हमारे पास क्या होगा एक स्मॉल मैजी होगा, बट लेकिन आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि हम लोग वो जामुन ट्री को नहीं काटे, वी डिड नॉट कॉट द जामुन ट्री, द अदर्स नोडेड हैप्पीली, और चारों बच्चों बहुत ही खुश थे कि उन लोग जो पेड़ को काटने वाले थे वो काटते काटते रह गया, उन लोग से जो गलत काम होने वाला था वो नहीं हुआ, इसलिए उन लोग बहुत खुश थे और चारों बच्चों सो गए। और ये जो चैप्टर है इसी के साथ कंप्लीट होता है, और इसको कौन लिखे हैं, इसका राइटर है अरूप कुमार दत्ता जी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग प्लीज़ चारों वीडियो को एक एक बार चेक कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, एक बार नहीं बार बार देखना उसको, है ना, जब तक आपको समझ ना आए तब तक देखते रहना। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरा जो नया वीडियो अपलोडेड होगा जब भी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय।